आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ठोस पदार्थ है वो बिल्कुल देखिए सूखा है और एकदम ठोस है और वो सीधा ये धूम्र में बदल रहा है, यानी कि बाष्प में बदल रहा है, गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें तो वो पहले बदलता है द्रव अवस्था में, और द्रव को अगर हम और ज़्यादा गर्म करें तो फिर वो बदल जाता है गैसीय अवस्था में, यानी कि वो बाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन उनको गर्म करने पर वो सीधे ही बाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। उनके बीच में जो द्रव अवस्था बननी चाहिए वो द्रव अवस्था बनती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आज का ये जो क्रियाकलाप है ये हमने लिया है कक्षा 9 के विज्ञान में से, और ये जो पहला अध्याय है उसका 13वां क्रियाकलाप है, और ये जो क्रियाकलाप है इसमें हम ऊर्ध्वपातन देखने वाले हैं। अगर हम बात करें परिभाषा की तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही बाष्पीकृत हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आज के इस क्रियाकलाप में हम ऊर्ध्वपातन को देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो पूरा उपकरण है वो तैयार कर लिया है। इसमें देखिए, सबसे पहले जो रसायन है वो मैंने यहाँ पे लिया है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड की जगह पर हम कपूर भी ले सकते हैं, पूजा वाला कपूर। साथ ही साथ देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है, एक लैंप लिया है और एक जाली है, और साथ ही साथ ये है एक चाइना डिश जिसमें हम जो अमोनियम क्लोराइड है उसे गर्म करने वाले हैं, और एक ये मैंने कीप ली है, और कीप को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर एक रुई का टुकड़ा ले लिया है। तो चलिए अब ये जो क्रियाकलाप है उसे शुरू कर लेते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये जो चाइना डिश है इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैं ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो देखिए ले लेता हूँ। ये देखिए, इतना सा अमोनियम क्लोराइड काफ़ी है। अब हमारा जो लैंप है उसे हम जला लेते हैं, ये स्प्रिट लैंप है, तो इसको जला लेते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो चाइना डिश है इसको हम यहाँ रख देते हैं। धीरे धीरे देखिए हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये गर्म होगा ये बाष्पीकृत होगा, और बाष्पीकृत होने के बाद उसकी जो जल बाष्प है, जल बाष्प नहीं कहेंगे इसको, उसकी जो बाष्प है वो यहाँ इस कीप पर जाएगी, और कीप ठंडी होने की वजह से जो अमोनियम क्लोराइड है उसका संघनन हो जाएगा और वो पुनः हमें यहाँ पर ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अब जो बाष्प है वो निकलना शुरू हो गई है, आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का धुआं सा। अब हम ये जो कीप है हमारी इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए, अंदर बहुत ध्यान से देखें तब हमको जो बाष्प है वो दिखाई दे रही है, जैसे धुआं होता है उस तरह से हमें देखिए यहाँ अंदर दिखाई दे रही है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि इस ये जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें ऊर्ध्वपातन हो रहा है या नहीं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ठोस पदार्थ है वो बिल्कुल देखिए सूखा है और एकदम ठोस है, और वो सीधा ये धूम्र में बदल रहा है, यानी कि बाष्प में बदल रहा है, गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो यही है ऊर्ध्वपातन। अब ये जो ठोस पदार्थ है इसको हम यहाँ इस कीप में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो गायन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो कीप है उसके चारों तरफ पतला सा एक फिल्म का सा लेयर जम गई है सफ़ेद से रंग की। तो अब इसको छुड़ा के देख लेते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ इसकी दीवारों पर इकट्ठा हो गई है या नहीं। तो देखो, इसको मैं देखिए ऐसे करके कर रहा हूँ, तो देखो आपने देखा
कि थोड़ी सी मात्रा में इसमें जो अमोनियम क्लोराइड था वो जमा हो गया था। तो ये था अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।